गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अभिनव, वेरी गुड शशांक। गुड मॉर्निंग अभिनव। राधे हाँ बेटा दिखाओ दिखाओ ये मांगे। वेरी गुड वेरी गुड। ये भी अच्छा वेरी गुड। हाँ बेटा हाँ वेरी गुड। दिखाओ आयुष बुक दिखाना, फिर से दिखाना आयुष, फिर से दिखाना। सो मी अगेन। क्लियर नहीं ठीक है मैम। हाँ बेटा अभी हमने ट्री नहीं बनाया। हमने भी बनाया है। अभिनव शो मी, अभिनव दिखा बेटा। आ गया अभिनव। यस मैम। कहाँ चलेगा अभिनव? हाँ ठीक है वेरी गुड। यस आज आप आज ज्वाइन कर रहे हो क्या? यस शाहू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा ध्रुवी शो मी योर ट्री। मैम मेरे पास वो नहीं थी, पेपर्स नहीं थे तो मैंने नहीं बनाया। ओके कोई बात। आराध्या मैम मैं आपको देख दूंगी बाद में बना के। और थोड़ा नीचे करो आराध्या। कवर नहीं हो रहा। हो गया ठीक है बेटा मनाया आप लोगों ने वेरी गुड। अहम हैव यू मेड आज ज्वाइन किया है क्या अहम तुमने? अहम सी हाँ अहम हाँ बेटा आपने म्यूट कर रखा है। हाँ वेरी गुड ओके। टुडे We will start again stacked. Stacked means जान रहे आप एक जैसे सरफेस वाली चीजों को एक के ऊपर एक रखना। जैसे लाइक यो पिट्ठू, पिट्ठू गेम खेलते हैं ना आप लोग, पिट्ठू बॉल खेलते हैं एक। उसपे क्या होता है जो आपकी जो स्टोन्स होते हैं पत्थर होते हैं उनका ऊपर का जो शेप है वो किसी भी तरह का रहता है आरती सा, बट जो उसका सरफेस होता है वो एक जैसे लगभग रहते हैं तभी एक के ऊपर एक के ऊपर वो रख पाते हैं, रखते हैं ना। क्योंकि अगर आप एक चीज आपकी सर्कल है सपोज ऐसी है आपकी है ना और एक आपका ऐसा है तो ये रख जाएगा क्या थोड़ी देर के बाद गिर जाएगा। आपको उनका जो नीचे का सरफेस है वो आपको एक जैसा चाहिए रहता है, चाहे वो ब्रॉडर हो मीन्स चौड़ा हो या फिर थोड़ा कम चौड़ा हो। इससे इससे क्या होता है जितना ज्यादा ब्रॉडर होगा उतनी ऑब्जेक्ट उतने ही अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाएंगे उसके ऊपर है ना। जैसे कि ये टू बॉक्सेस आ रही है ये दिख रहा है ऐसे इसके ऊपर मैंने रखा है ना, इसके टूटने का चांस नहीं है, है ना। इसे स्टैग बोलते हैं इसके ऊपर। कभी आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा अलग अलग शेप्स की चीजें लेकर के, ठीक है राधिया। अलग अलग कुछ ओवल शेप में हो, कुछ सर्कल शेप में हो, कुछ रेक्टेंगल शेप, उनको एक के ऊपर एक रखिएगा। आप लोग देखिएगा कि कौन सी चीजें एक जैसी रख सकती है। जो एक जैसी चीजें रखेंगे इट मीन्स दैट उनका जो सरफेस है वो फ्लैट है। समझ में आपको आया? सरफेस जो है वो क्या है फ्लैट। सरफेस मीन्स नीचे का आपका पोर्शन, जैसे आपकी ये मेरी बोतल है मैं दिखा रही हूँ आपको, इसका ये सरफेस जो है ये नीचे है ना, ये आपका क्या है फ्लैट है। तो ये किसी की चीज के ऊपर भी जो इसी की तरह की सरफेस की चीजें होंगी इसपे ये हम रख सकते हैं। ओके फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर एट। पेज नंबर एट ओके मैम। हमने कर लिया ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने पहले ही है ना, ये तो हो गया है सारे बच्चों का है ना। आप टुडे वी विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ लेसन सेकंड काउंटिंग इन ग्रुप। ओके काउंटिंग इन ग्रुप। सो ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड। आप
में खा डाला ठीक है ना ध्रुवी बोलो कर लिया था। अच्छा ठीक है पहले ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड बेटा हाउ मेनी मैंगो एट मैंगो ओके वेरी गुड हाउ मेनी मैंगो इन वन सर्कल टू मैंगो ओके हाउ मेनी मैंगो टू मैंगो ओके तो दिस सर्कल इज कॉल्ड पेयर है ना पेयर मीन्स होता है कि वन पेयर इक्वल टू थिंग है ना एक पेयर में आपकी इक्वल गुड मॉर्निंग मैम एक जैसी चीजों का हम पेयर करते हैं पेयरिंग करते जैसे आपकी इयररिंग्स होती हैं सेम होती है ना आपके शूज होते हैं मम्मा के आपके बैंगल्स होते हैं ये एक जैसे इनका पेयर बनता जाता है ना है ना और पेयरिंग ऐसे भी होती है जैसे फ्रूट की पेयरिंग होगी डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट से उनकी वेजिटेबल्स की पेयरिंग हाँ बोलो कौन बोल रहा है नेम बताओ एज नंबर नाइन एज नंबर नाइन लेसन सेकेंड है ना तो ये आपको वन पेयर इक्वल टू थिंग्स आपकी समझ में आ गया आपको इट मीन्स बेटा हाउ मेनी पेयर 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 बोल रही हूँ टोटल नंबर ऑफ थिंग्स बोल रही हूँ टोटल नंबर ऑफ टेल मी टोटल नंबर ऑफ मैंगो विदाउट काउंटिंग देन यू फोर एट अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एक 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 पेयर में टू मैंगोज है ना टू मैंगोज हैं और टोटल पेयर फोर हैं तो आप विदाउट काउंटिंग हाउ मैनी मैंगोज आर देयर आप कैसे करेंगे टू इंटू मीन्स होता है इंटू ये मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको देखते हैं And two men.
So, how many cups in each pair? Ma'am, four. Four, ma'am. Four. In each pair, one pair, ma'am. Main finger rakhiye. Main puch rahi hu, how many cups in one pair or each pair? Each means eight. ध्रुवी बार बार कंफ्यूज हो रही है। ध्रुवी को अभी ये पेयरिंग वाला नहीं समझ में आया। नहीं आया ना ध्रुवी? अभी आप लोगों को नहीं समझ। देखिए बेटा, जब कोई चीजों का पेयर में रखिए, ये मैंने एक पेयर बना दिया है, तो इसका मतलब हो गया कि चीजें हो गई। मैं आपसे पहले पेयर है ना, हाउ मेनी पेयर, इट मीन्स दैट कितने पेयर है। पेयर मीन्स पेयर का मतलब समझ, एक ग्रुप में दो चीजें हैं, तो वन ग्रुप टू। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन किया, मैंने कहा हाउ मेनी कप्स इन ईच पेयर, ईच मीन्स एक पेयर में कितनी चीजें हैं। तो मैंने आपको बताना है, टोटल नंबर होंगे, तो आपको बिना काउंटिंग किए, काउंटिंग नहीं करना, 1 2 3 4 नहीं करना। आपको पता है कि एक ग्रुप में 2 कप्स हैं और ग्रुप्स कितने हैं, 2। कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स हैं। तो आप सीधे जाएंगे 2 × 4। इतना समझ में आया? हाँ, वर्कशीट मैंने डाउनलोड की है। चलिए तो वर्कशीट की हेल्प से करते हैं। बोर्ड में नहीं अगर आ रहा है तो देखते हैं, आपको ये और नजदीक हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर कौन सा है? ये पेज नंबर नहीं है बेटा, इतने ध्यान से आप लोग, ऑल ऑफ यू लुक एट द योर मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे ध्यान से दीजिए, देखिए आप लोग। ओके मैम। हाँ देखिए, काउंटिंग इन पेयर्स बेटा, नंबर ऑफ पेयर कितने हैं इसमें बताइए। फर्स्ट में देखिए, नहीं नहीं इसमें ऐसे 1 2 3 4 5 कितने हैं? अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ दीज जेब्रास बिना काउंट किए आप ट्राई करके बताइए। 5 × 2 है ना, क्योंकि एक पेयर में 2 है, तो 2 × 5 = 10, तो बी पुट हियर 10। ओके, सेकेंड है आपका काउंट एंड राइट नंबर ऑफ पेयर, कितने पेयर्स हैं? 2 पेयर्स। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने पेयर हैं? 12। अब इसमें दिया है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी, तो 12 × 2 = 4 2 × 1 = 2, आंसर विल बी 24। इतना समझ में आया आप? समझ में आ रहा है ध्रुवी? पेयर समझ में आया ध्रुवी? चलिए फिर एक नेक्स्ट और है बेटा, लेसन नंबर मैम। हाँ बेटा, लेसन नंबर क्या है? लेसन नंबर नहीं है, वर्कशीट में अपने से ही आप लोगों को दिखा। लेसन नंबर किस पे मत रहिए, परेशान नहीं रहिए आप लोग। बनाना है क्या ये बेटा? दूसरी वर्कशीट दिख रही है क्या आप लोगों को? मैम,
अच्छा अभी अभी कुछ नहीं बनाना है, जब मैं बोलूं आपको बनाने की तब बनाना, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? समझो। हाँ रुक जाइए बेटा आप लोग, ठीक है? अब देखिए ये दिख रहा है आप लोग, न्यू वर्कशीट दिख रही है। अब यहाँ पर है, चलिए यहाँ पर है, एंड राइट द नंबर, इसमें आपको गेस करना है और राइट द नंबर, ये बताइए कितने हैं? हाउ मेनी? यहाँ पर बेटा पेयर ऑफ सीजर, हाँ नाइन नाइन फिर आपका क्या है? पेयर ऑफ डाइस, देखो ध्यान से यहाँ पेयर पूछ रहा है, पेयर ये जो वर्ड्स दिए गए ना, और यहाँ पर कितने, यहाँ बैंगल्स पूछ रहा है आपका, ये पेयर नहीं पूछ रहा है, बैंगल्स पूछ रहा है, टोटल बताओ। आप लोगों ने काउंट करके करा होगा, इसमें आपको देखना है सबसे पहले कि वन पेयर में थ्री है और थ्री पेयर है तो थ्री इंटू थ्री, तो वी पुट हियर नाइन बैंगल्स। आगे समझ लिए? यस मैम। ये ध्यान देना कि पेयर अगर लिखना है तो आपको पेयर बताना है, ठीक है? अब आपको विकारी पब्लिक स्कूल, अरे किसकी स्कूल मतलब नहीं है मैम। हाँ बेटा मैम, मन से क्या नहीं स्क्रीनशॉट ले लिया, अब यहाँ पे दिख रहा है सारे बच्चों को पहले म्यूट कर दूं। तब सुनाई देगा, जब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ तब आप लोग बात मत किया करिए वहीं पर बैठ करके, ठीक है ना? और ठीक है, पेरेंट्स से भी बात मत किया करें थोड़ी देर के लिए, बहुत डिस्टर्ब होता है, दूसरे बच्चे भी साथ में क्लास में रहते हैं, मैं कुछ भी समझा नहीं पाती हूँ। वहीं पे बैठकर आप लोग बात कर रहे हैं, थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते हैं? पहले समझ लीजिए फिर बात करिएगा ना, मैं मौका देती तो पूछती हूँ आप लोगों से। देखिए अब मैं फिर से आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, अभी कुछ करना नहीं है सुनिधि, अभी कुछ करना नहीं है आपको, लिखना कुछ भी नहीं है, समझना है सिर्फ कि ग्रुप्स क्या है, ठीक है ना? ध्यान से देखिए कि ग्रुप क्या है, उनको बिना काउंटिंग करे हम कैसे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए ध्यान से आप लोग। अब मैं अनम्यूट करी, कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, जब मैं जिससे पूछूंगी वही बच्चा बोलेगा बस। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, काउंटिंग इन ग्रुप्स, राइट द टोटल नंबर विदाउट काउंटिंग ईच थिंग, आपको टोटल नंबर बताना है कि बिना काउंटिंग करे। अब इसमें क्या करना है आपको, ये देखना है, सबसे पहले आपको देख लेना है कि एक ग्रुप में कितनी चीजें, एक ग्रुप में टू है, और जल्दी से ग्रुप आपको काउंट कर लेना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो
यहाँ पर आप तुरंत कर लेंगे, 2 × 10 2 × 0 0 2 का जीरो मल्टीप्लाएंगे, जीरो आता 2 × 1 = 2, तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स आपकी कितनी हो गई, 2। मैम 20 नहीं, हाँ 20, हाँ 20 बेटा। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकती हैं, यहाँ पे दिया हुआ 2 2 2 है ना, ये 2 2 यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे टोटल आपको बता दे रही हूँ, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 20, ठीक है। फिर सेकंड है आपका, सेकंड का बताइए कितना आएगा, एक ग्रुप में कितनी चीजें, देख लीजिए ग्रुप कितनी, एक ग्रुप में कितनी चीजें हैं, हाउ मेनी थिंग्स आर इन इन ईच ग्रुप, मैंने कहा एक ग्रुप में कितनी चीजें हैं मैम, मैम एक ग्रुप में 6 है, 6 है, और ग्रुप कितने हैं, 4। हाँ बताइए कितना होगा, टोटल नंबर कितना आएगा इनका, 24 24 24, वेरी गुड। हाँ फिर अगला अगला बताइए, नेक्स्ट बताइए, ध्यान से देखिए बेटा कितना है अभिनव, मैम 27 कैसे आएगा बेटा, एक ग्रुप में आपकी 10 है, 10 थिंग्स हैं, तो 3 ग्रुप्स हैं, तो यू हैव टू डू 10 × 3 = 30 मैम 30 यस, आपका है नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखिए कितने ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप में कितनी चीजें हैं, मैम 4 और ग्रुप कितने हैं, ग्रुप कितने हैं, कितने ग्रुप हैं मैम, 24 24 कहाँ से आएगा बेटा, एक ग्रुप में आपकी 4 है, 1 2 3 4, तो ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर विल बी 28 आएगा, 40 कौन बोल रहा है, हु सेड 40, कहाँ से आएगा, आप लोगों को काउंट करके मैंने बोला कि आपको पहले एक ग्रुप में काउंट करना है, उसके बाद आपको ग्रुप काउंट करने है, जैसे एक ग्रुप में मैंने किया 1 2 3 4, और ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रुप और एक ग्रुप में 4 है, तो उनको मल्टीप्लाई कर दिए 28 आ गया, अब इसका बताइए कितने हैं, नीचे का नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड नीचे का कैसे दिखेगा, अब मैं किसी किसे नीचे का नहीं दिख रहा है मैम, हाँ आंसर कितना आएगा, 12, वेरी गुड, भाई 2 ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप में 6 थिंग्स हैं, तो 2 × 6 है ना, 2 × 6 = 12, समझ में आया, समझ में आया आपको, यही एग्जाम में थोड़ी ना आ जाएगा, लेसन मैंने बताया है, उस लेसन से भी आएगा आपको इसी तरह ग्रुपिंग का, हाँ बोलिए ध्रुवी, पहले अनम्यूट करो अपने आप को, आवाज नहीं आ रही ध्रुवी आपकी, चलिए अच्छा आप बताइए कि इससे किसी को दिक्कत है ग्रुप का, और टोटल नंबर ये पता चल जाएगा अब आप लोगों को, बन जाएगा ना, है ना, देखिए एक ग्रुप में 2 से ज्यादा चीजें भी हो सकती है, पेयर मीन्स होता है 2 थिंग्स, किसी चीज का पेयर 2 होता है, बट एक ग्रुप में आपकी मोर देन टू भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, आप देखिए इसमें नेक्स्ट है, इसमें एक है, यहाँ पर आपका दिया गया है
एक प्रकार से असेंडिंग और डिसेंडिंग है। इसमें यहाँ पर जो गुरु है उसने बुक की पेजेस फाड़ दिए है, तो उसको आपको उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाना है। तो ऑर्डर कैसे लगेगा आपको, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर, ठीक है ना। इसमें क्या है आपका, इस पे आपका है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर है आपका, समझ में आया। इसपे क्या है, सबसे बड़े से आपको सबसे छोटे नंबर पे पहुंचना था, दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, आर इसी से रिलेटेड है आपका, ठीक है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। होमवर्क क्या है, होमवर्क लिखिए, बोर्ड पे लिख रही हूँ मैं। मैम नोटबुक में लिखना है। हाँ बेटा, एक एक बात ऐसे पूछ रहे हैं, नोटबुक पे लिखिए आप, पूरा लिखना है कि नोटबुक। मैम नोटबुक वाला बुक में लिखना है कि नोटबुक में लिखना है, बुक नोटबुक पे। मैम बोलिए ना बेटा, मैं सुन रही हूँ। आप दिख नहीं रही हैं बेटा, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, और बच्चों को दिख रहा है। जल्दी करिए बेटा, ओनली टू मिनट्स आर लेफ्ट। और अगर जिनका नहीं लिख जाए वो बच्चे, उसे जब मैं वीडियो शेयर करूंगी उसे देख लेंगे, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछना है, पूछो, अब टाइम नहीं बेटा, कल पूछना, क्योंकि वो टाइम आउट हो जाएगा। मैम ये नोटी बुक वाला बुक में लिखना है कि नोटबुक में लिखना है, क्या नोटी बुरु वाला बुक में लिखना है कि नोटबुक में लिखना है? अरे नोटी बुरु वाला नहीं, मैं भी साइड। ये होमवर्क मैंने ये बताया है आपको कि ये असेंडिंग ऑर्डर का है, डिसेंडिंग ऑर्डर का है। इस पे आपको छोटे से बड़े पे अरेंज करना था पेजेस, इसमें आपको बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर पे जाना था। असेंडिंग ऑर्डर पे ही इसमें स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर पे जाना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का नहीं दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। ठीक है बिना, ओके मैम, ओके मैम। ओके बेटा, आज के लिए इतने, फिर जिनका नहीं हो पाया है वो अपने उससे देख लेंगे, ठीक है, वीडियो से शेयर करूंगी तो उससे देख लीजिएगा। ओके बेटा बाय बाय बेटा बाय बाय मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। Thank you.